Hello students, this is the part second of your chapter weather, climate and adaptations. In this video we are going to discuss about adaptations. In the first part we have discussed about weather and climate. Now we are going to discuss about adaptations. Adaptations means changes according to the weather, according to the climate, according to our environment. जैसे जैसे हमारा environment है उसके according हमें अपनी body को change, हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, या फिर जितने भी मतलब स्टार्टिंग से चेंजेस चले आ रहे हैं इनको हम अडेप्टेशंस बोलते हैं. तो चेंजेस इन द बॉडी इज नोन एज अडेप्टेशंस. फर्स्ट इज अगर अडेप्टेशंस इन कोल्ड एरियाज, ठंड वाले एरियाज में अगर हम बात करें तो क्या अडेप्टेशंस होते हैं. जैसे कि एज वी नो -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर माइनस में इतना ज़्यादा ठंड में इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर चला जाता है. ठंडी एरियाज़ में जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है. तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं अपने आप को अडेप्ट करते हैं. अगर हम एग्जाम्पल लें दैट इज़ पोलर बेयर, अगर हम बात करें पेंगुइन जो कि पोल्स पर रहते हैं, अगर हम बात करें सील्स, सम बर्ड्स. पॉलर बेयर की अगर हम बात करें, पॉलर बेयर के पास फर्स होते हैं, इसकी पूरी बॉडी पर फर प्रेजेंट होते हैं, द सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, द थिक लेयर ऑफ सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इज नोन एज फर. पॉलर बेयर के पास फर होते हैं और उसके स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट होते हैं, फैट डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से उसको ठंड कम लगती है. अगर हम बात करें कैसे, ये जैसे फर्स होते हैं, फर क्या कर लेते हैं, एयर लॉक क्या काम करती है, इंसुलेटर ऑफ हीट का काम करती है. जो एयर ये लॉक्ड हुई है फर्स के बीच में, बिटवीन द फर्स, इज एक्ट एज एन इंसुलेटर, एक्ट एज एन इंसुलेटर का काम करेगी. इंसुलेटर ऑफ हीट, इंसुलेटर मीन्स विच इज नॉट पास फ्रॉम वन टू द अनदर, जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर नहीं होता, दैट इज इंसुलेटर. तो जैसे ही जितने भी हीट हमारी बॉडी में जनरेट होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी. अगर ये एयर लॉक ना होती फर के बीच में तो जितनी भी हीट जनरेट होती वो बाहर चली जाती और फिर ठंड लगती. लेकिन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट और ड्यू टू द एयर लॉक बिटवीन द फर्स, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, जिसकी वजह से जितनी भी हीट जनरेट होगी वो सारी सारी पूरी बॉडी में ही कंजर्व हो जाएगी. समटाइम्स जब पॉलर बेयर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि दौड़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है तो उनको गर्मी लगने लगती है. इस गर्मी से बचने के लिए पॉलर बेयर क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, दे गो टू द वाटर एंड गो फॉर स्विमिंग, जिसकी वजह से जितना भी उनके पास हीट जनरेट हुई है वो ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि वाटर तो कंडक्टर का काम करती है. वाटर तो इंसुलेटर है ही नहीं, एयर इज एन इंसुलेटर बट वाटर इज अ कंडक्टर, जिसकी वजह से जितनी भी हीट है वो वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी और द पॉलर बेयर विल कूल डाउन, पोलर बेयर कूल डाउन हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम बात करें पेंगुइन की, पेंगुइन के पास भी क्या होते हैं, फैट डिपॉजिट होता है, स्किन काफी थिक होती है स्किन, और फर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को गर्म रखती है. वन मोर थिंग, दोनों ही व्हाइट कलर के होते हैं. इस व्हाइट कलर का क्या यूज होता है दोनों के पास, क्योंकि आइस भी व्हाइट कलर की होती है और पोलर बेयर और पेंगुइन भी व्हाइट कलर के होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये आइस में छिप जाएं तो अगर प्रेडेटर आएगा तो क्या नहीं कर पाएगा, उनको कैच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो बच जाएंगे. तो व्हाइट कलर का ये यूज है कि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा सकते हैं और हंटिंग भी मतलब प्रे भी कर सकते हैं, अपने जो भी उन्हें खाना चाहिए शिकार भी कर सकते हैं वो इससे. अगर हम बात करें सील्स की, सील्स में फर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, सील में होता है फैट डिपॉजिट, उनकी जो स्किन होती है वो काफी थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट. फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से जो उनका अपर लेयर होता है बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी हीट जनरेट होती है वो इन्हीं के पास रहती है.
नेक्स्ट सम अगर हम बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स के पास तो एग डिपॉजिट नहीं होते क्योंकि बर्ड्स तो स्मॉल स्मॉल साइज की होती हैं, क्योंकि तो अगर उनकी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर वो फ्लाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी बॉडी हैवी वेट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें लाइट वेट होना है तो उनके पास फैट डिपॉजिट नहीं होते, उनके पास प्रेजेंट होते हैं फेदर्स, वो इन फेदर्स से ही अपने आप को कोल्ड टेम्परेचर से फिर कम टेम्परेचर से बचाती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो माइग्रेट कर जाती हैं, ड्यूरिंग विंटर्स दे माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया, वो जितना जब ठंडी का मौसम आता है तो वो साइबेरिया से इंडिया आ जाती हैं और यहाँ पर अपने ठंडी वाला मौसम, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो ठीक होता है उस वक्त, वहाँ पर ज़्यादातर तो ये टेम्परेचर उनके लिए बेस्ट होते हैं, वो इतने टाइम यहाँ पर रहती हैं और फिर दोबारा माइग्रेट कर जाती हैं साइबेरिया की तरफ, जहाँ से भी वो आती हैं उस एरिया में वो माइग्रेट कर जाती हैं। वन मोर थिंग, कुछ और तरीके हैं जिससे कि वो अपने हीट को ट्रांसफ़र होने से बचाते हैं, हीट को बाहर निकलने से बचाते हैं, हीट को वेस्ट होने से बचाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हीट सबसे ज़्यादा इवॉल्व होती है या फिर बाहर निकलती है फ्रॉम ईयर्स, टेल्स, नोज, ड्यू टू दिस जितने भी ठंडी एरियाज वाले एनिमल्स होते हैं, जितने भी कोल्ड एरिया वाले एनिमल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, अगर हम बात करें जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके नोज, ईयर्स, टेल्स, ये सारे के सारे पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट लॉस ना हो। तो इनके ईयर्स, इनके ये सारे के सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिससे कि लॉस ऑफ हीट कम से कम हो। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स क्या करते हैं, वो पूरे टाइम डे टाइम में तो जितना भी रेडिएशन होता है सबको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रात को अपने शेल्टर में जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जितना भी रेडिएशन है जब वो बाहर निकलेगा तो उनको गर्माई मिलेगी, हीट का हीट फील होगी, जिससे कि वो अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। तो इनके पास रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, इनके पास फर्स होते हैं, किसी पास फैट डिपॉजिट होता है। कुछ एनिमल्स ऐसा करते हैं कि पूरे के पूरे सर्दी के मौसम में क्या कर जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेशन और हाइबरनेट, हाइबरनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ समर स्लीप। समर स्लीपर, जब कुछ एनिमल्स पूरे के पूरे सर्दी वाले मौसम में अपना सारा फूड स्टोर करके सर्दी वाले मौसम में सोने के लिए चले जाते हैं, अपने अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। और अगर दिस इज विंटर स्लीप, और अगर हम बात करें समर स्लीप मींस एस्टाइवेशन। बहुत सारे एनिमल समर स्लीप पर कर जाते हैं जिससे कि वाटर लॉस ना हो। वाटर लॉस जैसे कि अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो स्नेक वगैरह जो हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, विंटर स्लीप पे चले जाते हैं या फिर किसी होल्स में रहने लगते हैं। अगर हम बात करें समर स्लीप की, तो टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वाटर का लॉस बचाने के लिए वो क्या कर जाते हैं, एस्टाइवेट कर जाते हैं, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो। तो समर स्लीप इज नॉन एज एस्टाइवेशन। सम अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, होट एरियाज, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कैमल। हमें पता है कि कैमल के पास क्या होता है, हम्प होता है, जिसमें कि वो अपना सारा फूड, बहुत एक्स्ट्रा फूड भी खा लेता है, एक्स्ट्रा वाटर भी ड्रिंक कर सकता है, जिसकी वजह से वह हम्प में स्टोर कर सकता है, और हम्प में स्टोर करने के बाद वो धीरे धीरे उस वाटर को यूज़ करेगा, जिससे कि क्या ना हो, उसको डेजर्ट में अगर कहीं वाटर ना मिले तो वो लाइव कर सके। तो हम कैमल के पास हम्प होता है अपने स्टोरेज के लिए। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, एस्टेब्लिश कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, दीज एनिमल्स आर नोन एज नॉक्टर्नल एनिमल्स। इनको हम नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं, जो कि ब्यूरोज में या फिर होल्स में जाकर समर स्लीप ले लेते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि इन डेजर्ट देयर इज एन एनिमल नोन एज फेनिक फॉक्स। फेनिक फॉक्स के ईयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े ईयर्स होने का क्या यूज होता है, इसमें ईयर्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो जैसे ही ईयर आई, ब्लड वेसल क्या करेंगी, एयर को अब्सॉर्ब करेंगी
और क्योंकि ये एयर एब्जॉर्ब करेंगी, पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में होगा, जिसकी वजह से ब्लड क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। तो फेनिंग फॉक्स के पास अडप्टेड क्या है, दैट इज लॉन्ग ईयर्स, बहुत बड़े बड़े ईयर्स होंगे। जैसे कि एलिफेंट की अगर हम बात करें, एलिफेंट की भी बहुत बड़ी 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 क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, तो वो भी अपने बॉडी को ऐसे कूल डाउन करता है। ट्रंक होती है, ट्रंक होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, बहुत सारे एनिमल्स ऐसा कुछ ना करके क्या करते हैं, जैसे कि शेड में, किसी बड़े बड़े पत्थर के या फिर किसी शेड में या फिर किसी ब्यूरो में या फिर किसी ट्री की शेड ले लेते हैं, जिससे कि ट्री की शेड लेने का क्या यूज होगा, शेल्टर भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा और प्रोटेक्शन भी मिलेगा। जिससे कि क्या मिलेगा, जैसे कि लायन टेल्ड जैगुआर होता है, लायन टेल्ड मेका होता है, जैसे कि रेड आइड फ्रॉग होता है, जो फ्रॉग ट्री पर रहता है, जिसकी आईज रेड होती हैं, वो क्या कहते हैं, अपने आप को स्टक कर लेता है विद द ट्री, अपना फूड भी उसी से लेगा, प्रोटेक्शन भी और शेल्टर भी, तीनों चीज़ें मिलेगी। ऐसे लायन टेल मेका और ट्री पर रहता है, अपनी प्रोटेक्शन, फूड, सब कुछ किससे लेता है, ट्री से लेते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन द एनिमल्स लिविंग इन हॉट एरियाज। जो हॉट एरियाज में एनिमल्स रहते हैं, वो इस तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को बचाते हैं फ्रॉम द हीट, फ्रॉम द लॉस ऑफ वेट। जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे एनिमल्स स्वेट आउट करते हैं, जिससे कि वाटर लॉस हो, जैसे कि हम भी अगर हम स्वेट आउट करते हैं और फिर बैठ जाते हैं तो ठंडी लगती है हमें, मतलब कूल डाउन हो जाती है हमारी पूरी की पूरी बॉडी ड्यू टू द इवेपोरेशन। इसी तरीके से एनिमल्स भी स्वेट आउट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बाद में कूल डाउन कर जाती है। एलिफेंट्स की हमने पढ़ी कि हॉर्न्स होते हैं और लॉन्ग ट्रंक होती है, ईयर्स बहुत लॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो स्वेट आउट भी करता है और एयर भी जब पास आउट करेगी तो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो एयर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी कूल डाउन कर जाएगी। इन्हीं ईयर से वो सॉफ्ट साउंड, हाई साउंड सब सुन सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हाई साउंड सुन सकते हैं अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, बहुत सारे एनिमल्स सॉफ्ट साउंड भी सुन सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज। सो दिस वन इज योर चैप्टर।